तो आज एकादशी है तो सबको हैप्पी एकादशी। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जितना साबूदाना लिया है। ये साबूदाना को हमें अच्छे से वॉश करना है, 2 से 3 पानी से हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। इसे हमें 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना है। और पानी ध्यान रखें कि जितने साबूदाने हैं उससे थोड़ा ही ऊपर पानी होना चाहिए। ये 2 घंटे के बाद साबूदाना हमारा अच्छे से फूल गया है, ये देखो। इसमें मेन चीज़ भिगोने के लिए हम जब पानी ऐड करते हैं वो है, ये देखो साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। तो अब हम खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तो ऑयल अभी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब डालेंगे थोड़ी सी हींग, अगर आप हींग नहीं खाते हो तो ये स्किप कर सकते हो। अब डालेंगे हल्दी पाउडर और अब इसमें जाएगा कड़ी पत्ता और काटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो हम इसे थोड़ी देर सोते कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, ये कच्चा आलू, 1 आलू मैंने काट के लिया है बड़ा। आलू आप बॉईल करके भी ले सकते हो। तो अभी मिक्स कर लेते हैं। आलू को पकने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आलू का ही अभी हमें नमक ऐड करना है, साबूदाना का नमक हम बाद में ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे वापस। अभी इसे हम ढक्कन लगा के पका लेंगे 2 से 5 मिनट तक। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छी तरीके से पक गए हैं कि नहीं। आलू अभी पक चुके हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भिगोए हुए साबूदाना रेडी किया है वो। ये देखो एकदम दाने दाने अलग हो रहे हैं, ऐसे ही साबूदाना होना चाहिए भिगोने के बाद। ऐसे ऊपर से अच्छे से ठीक करके फिर हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि साबूदाना भी पक जाए अच्छे से। बाद में हम मसाला ऐड करेंगे। इसे हमें 1 मिनट तक ही ढक के रखना है। तो अभी हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली को ग्राइंड करके वो डाला है 4 चम्मच जितना। आप इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मूंगफली ऐड करनी है तो पहले ही फ्राई करके ऐड कर देना। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच जितनी शुगर डालेंगे और 1 बड़ा सा नींबू डालेंगे। अब कर लेते हैं इन सबको मिक्स। ये देखो कलर भी बढ़िया दिख रहा है। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे।
तो ऐसे ही धीरे धीरे हम मिक्स करते जाएंगे। तो अभी हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि कलर भी अच्छा हो जाए और साबूदाना भी थोड़ा पक जाए। तो ये देखो, खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, एकदम खिली खिली लग रही है। साबूदाना डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, आधे से एक मिनट तक पका के ले लेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, मिक्स कर देंगे वापस। ये देखो कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी साबूदाना की खिचड़ी, एकदम खिली खिली बनी है। इसमें मूंगफली को ग्राइंड करके नहीं डालना है, तो आप मूंगफली भी डाल सकते हो इसमें। ये देखो, ये एक्चुअल कलर आया है। तो अभी हम इसे सर्व कर लेंगे। तो अगर आप कुछ भी व्रत करते हो तो आप ये साबूदाना खिचड़ी अपने घर पे ज़रूर बनाएं। अगर आप बनाते भी हो और खिली खिली नहीं बन रही है तो ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करें। और इसके ऊपर अभी मैं डाल रही हूँ चिवड़ा, फराली चिवड़ा है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।